दोस्तों, लाखों आत्महत्या और खुले खेल का जिम्मेदार ब्लू व्हेल गेम को शायद ही आप भूल पाए होंगे। जैसे पबजी में सामने वाले को मारने का चैलेंज दिया जाता है, ठीक उसी तरह ब्लू व्हेल गेम में एक एक करके चैलेंज कंप्लीट करना होता है। हालांकि सैकड़ों मौतों के बाद ब्लू व्हेल गेम को बैन कर दिया गया, लेकिन पबजी आज भी कई मौतों का जिम्मेदार बना हुआ है। आज के दौर का बच्चा कहे या युवा, हर कोई इस गेम के नशे में डूबा रहता है। पबजी गेम का नशा इतना खतरनाक है कि लोग अपने रिश्तों के ही दुश्मन बन रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ से, जहाँ पे यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात को पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है कि पड़ोसी के घर से बेहद तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। पुलिस रात में ही उस मकान में पहुंचती है और घर पे एक नाबालिग भाई बहन मिलते हैं। लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो सब लोग सन्न रह जाते हैं। अंदर के कमरे में एक महिला की लाश पड़ी होती है जो इन्हीं दो नाबालिग बच्चों के माँ की होती है। मामला जो है वो हत्या का था, लेकिन दोस्तों इस हत्या के पीछे की जो कहानी है वो इस देश के हर माता पिता के होश उड़ा देगी। बताया जा रहा है कि पबजी गेम की लत में बेटे ने अपने माँ का कत्ल कर दिया। वर्तमान में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि लेकिन मोबाइल गेमिंग की लत से मजबूर होकर एक बेटे ने अपने माँ का कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों, आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने ये बात कबूल की है कि उसके माँ उसे पबजी खेलने से रोकती थी। दोस्तों, उस आरोपी बच्चे का यह भी कहना था कि पबजी गेम खेलने से मना किए जाने पर वो अपनी माँ से नाराज रहता था। रविवार की आधी रात को पिता की लाइसेंसी पिस्तल से माँ के सिर पर गोली मार दी। माँ की मौत के बाद शव को एक कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन को धमका कर कि वो ये बात किसी को बताए नहीं, दूसरे कमरे में बंद कर दिया। दोस्तों, आप इस नाबालिग बच्चे की हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वारदात छुपाने के लिए इसने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया था ताकि लाश की दुर्गंध जो है वो बाहर न जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी पड़ोसियों तक लाश की दुर्गंध पहुंच गई और इस बात से इस घटना का पता चला। बताया जा रहा है कि लड़के के पिता सेना में है और इस वक्त बंगाल में तैनात है। इस घर में माँ और बच्चे अकेले ही रहते थे, इसलिए पिता ने सुरक्षा के लिए लाइसेंसी रिवॉल्वर घर पर ही छोड़ दी थी। तो दोस्तों, क्या आप भी पबजी खेलते हैं? तो रुक जाइए, कहीं ये लत आपको भी ना ले डूबे। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।